बड़ी मुश्किल से कटेगी आंटी जी, क्योंकि कल की बैठक का बड़ी बेसब्री से इंतजार है मुझे। पापा, सो रहे हो क्या? सॉरी, कुछ बात करनी थी। अब तुम्हारे सिवा मेरे पास है ही कौन, है ना? उम्र बढ़ती जा रही है, 70 साल की हो गई हूं। हाथ पैर कांपते रहते हैं, चक्कर आता रहता है, ऐसा लगता है ये सब मोह माया त्याग कर गृहस्थी से रिटायरमेंट ले लूं बस। पर पापा, जब भी ये ख्याल आता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं डट कर सामना करती हूँ इसका। अरे अंजलि और श्रद्धा मुझसे ही तो सीखेगी, है कि नहीं? है? बस तुम मुझे हिम्मत देते रहना, हाँ, मरते दम तक बस हिम्मत देते रहना, ताकि मैं ईमानदारी के साथ, जोश के साथ मैं सबको संभाल सकूं। मैं चाहती हूं कि अंजलि और श्रद्धा सेनापतियों की तरह दुनिया के सामने डट के खड़े रहे, हाथ में बहादुरी की तलवार और मन में स्वाभिमान का शंख लिए जीवन की हर लड़ाई का सामना करें। बस इन दोनों को आशीर्वाद देते रहना। पापा, कल ना अंजलि की रिश्ते की बैठक है, आना, मेरे पास बैठे रहना, बस लाज रखना। वाह जिज्जी वाह, महंगी शादी के सपनों की चमक एक तरफ और आपकी इस मुस्कुराहट की चमक एक तरफ, नजर न लगे किसी की, खासकर वो दादी अम्मा की। जिज्जी, श्लोक तो एकदम लट्टू हो रखा है अंजलि के ऊपर। मुझे तो लगता है कि किसी दिन लड़की वाले बोलेंगे ना कि हमें विदा नहीं करनी, तो खुद आगे बढ़ कर ऐसे बिछ जाएगा उनके सामने और बोलेगा कि ठीक है, मैं घर जमाई बन जाता हूँ। सुबह सुबह ऐसी मनहूस बातें करना जरूरी है? श्लोक अपना दिल दे बैठा है, इसीलिए तो मजबूर हूं मैं, वरना ऐसे छोटे से घर में अपने बेटे की शादी करती मैं? मैं ना बिल्कुल ये नहीं समझती कि शादी दो परिवारों के बीच होती है। मेरा तो साफ साफ ये कहना है कि शादी सिर्फ ससुराल वालों से होती है। मायके का छूटना तो बस एक रिवाज है। अंजलि को उसके मायके से तोड़ना जरूरत है मेरी नम्रता। उसको उसके मायके से काट कर अपने घर ले आऊंगी मैं, और फिर कभी मेरे श्लोक को अंजलि के दादा दादी के लिए हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, और ना ही उसकी छोटी बहन की शादी मेरे श्लोक का सर दर्द होगी। वाजिद जी वाह, ख्याल ही इतना बढ़िया है कि आपके चेहरे की रौनक फिर से लौट आई। कितनी सुंदर लग रही हो। नम्रता, सास होकर भी ये माँ का प्यार टपकाती स्माइल, ये चेहरे की मासूम रौनक, यही सब तो हथियार है मेरे। इन्हीं से बहू का मायका भी छुड़वा दूंगी और समधन का रिश्ता भी निभाऊंगी। जब मीठी छुरी से काम चल सकता है नम्रता, तो आरी क्यों चलानी? हाँ जिज्जी, सही है। हाँ।
चल बेटा, तेरी अंजलि को घर ले आने की रस्में शुरू करते हैं। ये रिश्ता तो तू पक्का समझ ले, ये बैठक तो बस एक फॉर्मेलिटी है। प्रभास, नम्रता जी, क्या हुआ? लड़के वाले हैं हम, उसको लाइए जरा। आज बैठक में मेला नहीं लूटना। हाँ जीजी। अंजलि, श्रद्धा, विकास, जल्दी आ, सब लोग आओ। अरे चलो चलो, बुढ़िया चिल्ला रही है, मेरी जान खाएगी वो, चलो जल्दी। याद है ना, आज बैठक में शादी के खर्चे को लेकर सिर्फ मैं बोलूंगी, मैं कैप्टन हूँ, बीच में कोई नहीं बोलेगा, समझ लो। यस मैडम। हो अंजी, अरे वो लोग आ गए। अंजलि, नाश्ता लगा, नाश्ता लगा, चल चल चल, विकास आजा, चल 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 अंजलि। भाई जैसे पिक्चर में होता है ना, जब मतलब घर वाले शादी की बात करते हैं लड़का लड़की की, तो उनको छत पे भेजते थे बात करने के लिए। तो मैं क्या सोच रहा था कि मैं मॉम से बोलता हूँ कि भाई और भाभी को भी ना बात करने के लिए छत पे भेजते हैं। लेकिन भाई सुनो, इस बार जो अपॉर्चुनिटी मिली है ना, उसे मिस मत करना। जैसे मौका मिले भाभी का हाथ पकड़ लेना, शर्माना मत इस बार। दूर यार। अरे आइए आइए आइए, कैसे हैं आप? आइए, बस बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम। आइए बैठिए। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, ये गेंदे और मोगरे के फूलों से कितनी सुंदर सजावट की है आप लोगों ने। जी जी जी। इतनी सुंदर रंगोली तो मैंने पहले कभी नहीं देखी है। ये हमारी श्रद्धा ने बनाई है। हाँ। ये तुमने बनाई है? बिल्कुल। बहुत सुंदर है। थैंक यू जीजू। अरे हे भगवान, सॉरी, मतलब मैंने देखा ही नहीं। नहीं नहीं, इट्स ओके। बट ये क्या किया, इतनी सुंदर रंगोली बनाई थी श्रद्धा ने। सॉरी बेटे, आओ ना नम्रता। नमस्ते नमस्ते। आंटी जी, ये नम्रता है, मेरे भाई प्रभास की पत्नी, और श्लोक की शादी में ये बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। अंजलि की दादी। प्रणाम दादी जी, कैसी हैं आप? मैं सुंदर हूँ। यहाँ दादी कौन है? मेरा मतलब है प्रणाम आंटी जी। देखिए, खुशी में इतनी कंफ्यूज हो गई हूँ ना कि पता ही नहीं चल रहा है कि किसको क्या बोलना है। आइए आइए, प्लीज प्लीज आइए, अंदर आइए आइए आइए। आओ बेटा। यहाँ यहाँ बैठिए बैठिए। आओ बेटा, इधर इधर बैठो। बैठ जा। अरे दादाजी, आप नीचे क्यों बैठ रहे हैं? हम लड़की वाले हैं ना, इसलिए नीचे बैठ रहे हैं। ऐसा है तो फिर हम सब भी आपके साथ नीचे बैठेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आइए आप यहाँ बैठिए प्लीज। मुझे थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं इसलिए। अरे तुम बैठो, आ जाओ बैठो, ये ले, यहाँ बैठो।
जिजी बहुत सुंदर है। हाँ रहने दो, जीती रहो। ये एक छोटा सा तोहफा है श्लोक के पापा और मेरी तरफ से। शगुन? नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। अरे बेटा, शगुन के लिए मना नहीं करते, लो। पसंद आया? जी वो इतना महंगा उपहार देने की क्या जरूरत थी आपको? घर की लक्ष्मी के लिए कोई भी उपहार महंगा नहीं होता। और फिर मेरी कोई बेटी नहीं है ना, अब से अंजलि ही मेरी बहू भी है और बेटी भी। और एक बात कहूं तो मतलब कोई बात नहीं, रहने दीजिए। अरे नहीं नहीं, बोलिए ना, जो भी बात मन में है बोलिए आप। सोनी जैसी सुंदर और खरी है अंजलि, उस पर ये आर्टिफिशियल खरी सोनी जैसे चेहरे पर खरा सोना ही जचता है। बैठिए ना जी। आगे की बात करें जिसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। हाँ आंटी जी, मैं भी यही बोलने वाली थी। अच्छा, तो फिर आप ही बताइए शादी की तैयारी कैसे करें। मामी 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 जी, वैसे तो आप सारी बातें मान लेना, लेकिन जो अपनी कपड़ों की कलर और डिजाइन को लेके बात हुई थी ना, याद है आपको? हाँ। उस बात पे डेरे ना आप, ठीक है? वो लड़के वालों की साइड से होनी चाहिए, सही है? हाँ, ठीक। अच्छी मिका मंटे, ये बंदर कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पका रहा है। आप ना बाकी की बातें तो संभाल लेना, लेकिन कपड़े हमारे पसंद के आएंगे इस बात पे अड़ी रहना। मैं कहीं आंटी जी, हमें इस शादी में ना कुछ नहीं चाहिए। वो आपके मराठी में कहते हैं ना, क्या कहते हैं, मैं याद करके तो आई थी, मुलगी अणि नारल। हमें आपकी पोती के साथ एक शगुन का नारियल चाहिए, बस और कुछ नहीं। एक नारियल बस? हाँ बस। ठीक है, तो ये तय रहा, जैसे आपने कहा अंजलि के साथ शगुन का एक नारियल। एक काम करते हैं, इसको कागज में लिख के हम दोनों तरफ से साइन कर लेते हैं। विका चा, कागज लेके आ। अरे आंटी जी रुकिए ना, इतनी जल्दी क्या है ऑटोग्राफ देने की? भाई साहब रुकिए, तो रुकिए थोड़ा। विकास रुक जा। मैं भी पागल हूँ, कैसे सोच लिया कि इतनी जल्दी फैसला हो जाएगा। बताइए जी, आप मुझसे शादी कर रहे हैं इसलिए आपको मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आपने अपने मन में जो मेरी इमेज बना रखी है, मुझे नहीं लगता कि मैं वो हूँ, और जो मैं हूँ वो आप शादी से पहले ही देख समझ लें तो ज्यादा बेहतर होगा।
ये है मेरी सच्चाई श्लोक, मैं सिगरेट पीती हूँ। हाँ आंटी जी, पोहे जलेबी की कसम आपने तो बोलती बंद कर दी मेरी। 20 लाख से तो कहीं ज्यादा की शादी सोच कर आए थे हम लोग। अरे झवर परिवार की पहली शादी है, मेरे हिसाब से खाना पीना ही कुल मिलाकर खाने की चिंता मत करो, इतना अच्छा खाना खिलाएंगे कि बस उंगलियां चाटती रहोगी तुम। चिंता मत करो। आई जी वो कोई बात नहीं, हमारे घर की भी पहली शादी है, हम 26-27 लाख खर्च कर देंगे। मुझे लग रहा है भाई साहब आंटी जी कुछ परेशान दिख रही हैं। देखिए वो क्या है ना कि आप लोग तो कुछ ही महीने पहले इंदौर आए हैं, लेकिन झवर परिवार तो सालों से यहाँ रह रहा है। अब ऐसा कोई इंसान नहीं होगा इंदौर में जो झवर परिवार को जाने ना। इतने प्रतिष्ठित परिवार के पहले बेटे की शादी है तो लोगों ने कुछ तो उम्मीदें लगा रखी होंगी। आप ही बताइए 26-27 लाख में कहाँ कुछ होता है, हा? नहीं हो पाएगा। मैं क्या कह रहा हूं आंटी जी अंकल जी, शादियों में इतना ही खर्चा करना ऐसा कोई नियम तो है नहीं, बस यही कोशिश रहेगी कि सब कुछ बजट में हो जाए। वैसे भी विकास भाई साहब की बातों का मान भी तो रखना है ना हमें। सत्ताईस लाख में फाइनल करते हैं। अब माँ और मामा मान ही गए हैं तो ये मामी क्या करे। लेकिन आंटी जी कम से कम आप इतना ध्यान रखिएगा कि मिलने में झवर परिवार की नाक नहीं कटनी चाहिए। ये मिलने क्या है? लो कर लो बात जीजी, आप क्या मिलनी नहीं होती? हमारे यहाँ तो शादी की शान होती है मिलनी पोहे जलेबी की कसम। हाँ आंटी जी, शादी में ना बारातियों को लड़की वालों की तरफ से शगुन मिलता है, ज्यादा कुछ नहीं तो एक एक सोने की गिन्नी तो दे ही देते हैं। तो ठीक है भाई साहब, हाँ अब ले आइए आप कागज और पेन। हाँ आप जाइए ना, हम और आंटी जी दोनों उस पे ऑटोग्राफ देके तय कर देते हैं, शादी का बजट 40 लाख लॉक कर देते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।